हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरा सारा सुबह का काम मैं शुरुआत कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह अभी तो बज रहे हैं 5, और मैं सुबह का 4 बजे से ही मैं उठती हूँ। तो उठने के बाद मेरा घर का झाड़ू वगैरह हो गया है, एक्सरसाइज भी मैंने कर ली हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आकर लग गई हूँ। थोड़े खोल थे, बेडशीट खोल सभी मैंने फींचे थे, मतलब धोए थे। हम लोग फींचना भी कहते हैं, इधर का भाषा थोड़ा फींचना भी होता है। तो सारे खोल और बेडशीट मैंने धोए थे। तो धोने के बाद जो है ना, सब सूख गया था, तो लाकर इसी तरह शाम में मैंने रख दी थी। तो इस टाइम उठकर ना यही कामों में मैं लग गई हूँ। सारे तकिए में खोली मैं लगा दूँगी पहले। और बच्चे अभी बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब तक एक्सरसाइज करेंगे तब तक इधर मेरा ये सारा काम भी कर लेती हूँ। तो झाड़ू मेरा हो गया है, पोछा अभी नहीं हुआ है। तो इसको सारा फिनिशिंग करके, साफ़ सुथरा करके बिस्तर को थोड़ा, इसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो पहले तो ये सारे तकिए में ना खोली लगा देती हूँ। तो 5 मेरे पास तकिया, मैंने बोला था ना 5 मेरे पास तकिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच वो तकिया है मेरे पास अभी फ़िलहाल। और 2 तकिया जो मैंने बनाई थी ना, उसे मैंने रख दी हूँ। और इन सबको मैं इस तरह से खोली रख कर देती हूँ। और रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में फ्रेंड्स और कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। अगर मैं रक्षाबंधन में वीडियोस नहीं भेज पाऊँगी, क्योंकि मेहमान वगैरह सब आ रहे हैं, ननद मेहमान आ रहे हैं, तो इन्हीं लोगों में बिज़ी रहूँगी, मैं नहीं बना पाऊँगी। तो प्लीज़ पुराने वीडियो पर ही प्यार बरसा दीजिएगा अपना। तो मैं हो देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं भेज भी सकती हूँ, और नहीं भी वीडियो बना पाऊँगी और बना भी पाऊँगी, कोई गारंटी है नहीं। टाइम मिला तो देखूँगी, छोटा मोटा कोई वीडियो भेजूँगी, और नहीं तो नहीं बना पाऊँगी जब तक रहेंगे। क्योंकि परिवार में भरा परिवार रहता, तो काम काज में मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए, सारा तकिया मैंने खोली लगा दी हूँ, और उसे लगा कर ना हटा देती हूँ। और बिछाने को ना मैं पहले अच्छा से ठीक कर देती हूँ। तो ये देखिए, हमारा बिस्तर मैंने ठीक कर ली हूँ। और ये देखिए, मेरा घर का लुक थोड़ा इस तरह से कुछ है। और मच्छरदानी मैं खोल के ना इसी जगह लटका देती हूँ, इसी तरह रहता है मेरा मच्छरदानी। तो अब अच्छा लगता है देखने में घर। और ये देखिए, मुझे पोछा लगाना है सब घर में, झाड़ू हो गई है। और ये देखिए, गंदी हो गई है ना, थोड़ा फ्रिज का सब सामान निकाल ली थी, उसे भी मुझे धोना है। और ये देखिए, बाहर का नज़ारा कुछ आपको दिखा रही हूँ। अभी सुबह सुबह 5:30 बज रहे हैं, और ये देखिए नज़ारा कुछ ऐसा है। और हरा हरा पेड़ पौधे, सुबह सुबह मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले ना पेड़ पौधों को मैं देखती हूँ, बहुत मन लगता है। और जानते हैं, जब पानी बरसात हवा बहने लगती है ना, तो वहाँ पर खड़ा रहो ना, इतनी अच्छी हवा आती है ना कि वाव, बहुत मज़ा लगता है जब हवा चलती है। तो अब पता है, मनी प्लांट में ना मेरा लग गया है, मैं दिखाऊंगी फिर कभी। अभी 10 दिन नहीं हुआ है, लेकिन मनी प्लांट मेरा लग गया है। तो चलते हैं घर के अंदर, और चलती हूँ अब गर्म पानी पहले करूँगी, और बच्चों को
सभी को दे दूंगी। और सभी एक्सरसाइज हो गए हैं बच्चे का, और इसके बाद गर्म पानी करके ना सभी बच्चों को मैं दूंगी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी गर्म पानी कर रही हूँ, जा रही हूँ बच्चों को पानी देने। इसके बाद स्नान करूँगी, पूजा करूँगी, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो हो गई है हमारा स्नान, पूजा सभी कंप्लीट हो गए हैं और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो नाश्ता पहले मैंने बना ली थी, और नाश्ता बनाने के बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजा कर इसके बाद बहुत देरी बाद मैं वीडियो स्टार्ट करी हूँ दोपहर का। तो अभी तो बज रहा है 11 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, दोपहर का खाने की तैयारी कर रही हूँ। और हस्बैंड अभी घर पर हैं तो वो सोए हुए हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि रात में कभी कभी रात रात भर नहीं रहते हैं। तो वो तो सुबह ही आए हैं आज, तो अभी तो सोए हुए हैं। और मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए केला को मैं छील रही हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ सिंपल सा खाना, तो सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी, तो केला का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो केला को मैं वही छील रही हूँ। और जानते हैं केला का ये जो छिलका है ना, उससे भी आप चटनी बना सकते हैं। मतलब केला का बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनती है, पकौड़ी भी बनती है, भुजिया भी बनती है, जो भी चाहो ना एक बना सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं सब्ज़ी ही बना रही हूँ, और सब्ज़ी का भी मैं रेसिपी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर चावल भी मैं चुन रही हूँ, चावल को चुन कर रख देती हूँ। इसके बाद मैं आराम से खाना बनाऊंगी। अब बच्चे 1 बजे आएंगे तो आराम से मेरा खाना भी बन जाएगा, और गरम गरम ही खाना मैं दे दूंगी बच्चों को, क्योंकि मेरे घर में ना गरम गरम ही खाना खाते हैं सभी। सुबह का टाइम गर्म ही देती हूँ, दोपहर में जब आने का टाइम 1 घंटा पहले से खाना बनाना शुरू करती हूँ, और उन लोगों को आते आते मेरा खाना बन जाता है, और उसी को गर्म गर्म ठंडा हो या फिर गर्मी है हो, 3 टाइम तो खाना मुझे बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा केला का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसमें ना मैंने केला को पहले तेल में भूनकर हटा लिया है, और इसके बाद उसी में सारा कटी चीज़ें मैंने डाल दी हूँ। तो मैंने कट रखा था, प्याज रखा है कट करके, लहसुन कटा है, क्या कहते हैं हरा मिर्च कटा हुआ है, और अदरक भी कटा हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को मैंने कट करके, आज पीसी नहीं हूँ तो इस सभी को कट करके ही मैं इसमें ऐड कर ली हूँ। तो इन चीज़ों को मैं भून लूँगी, और इसके बाद मैं इसमें प्याज भी डाली हूँ और तेज पत्ता भी 2 डाल दी हूँ, और इसे अच्छी तरह से मुझे भून लेना है। भूरा कलर तक होने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। और इसके बाद नमक, हल्दी, गोलकी जीरा का पाउडर, फिर इसमें कस्तूरी मेथी और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ों को मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसे भून लेती हूँ। और सारे चीज़ों को डालकर मैं इसे ढक दूंगी, और ढक कर अच्छे से पका लूंगी इसे, टमाटर गल जाए। और गल जाने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं भून लूंगी इस तरह से। किसी भी चीज़ से आप इसे अच्छे से चला लें, अच्छे से भून लें इसे। और ये टमाटर हमारा गल गया है, और इसमें मैं भुना हुआ केला को इसमें ऐड कर दूंगी, और इसे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद मैं थोड़ा सा, आधी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाली हूँ। तो गरम मसाला केले की सब्ज़ी में डालेंगे तो बहुत ही टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो गरम मसाला ज़रूर इसमें थोड़ा ऐड कर दीजिए, तो स्वाद इसका बढ़ जाता है, और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बना था। तो चावल और सब्ज़ी ही बना रही हूँ बस, तो सिंपल सा मेरा है। लेकिन झुरगर मैंने सब्ज़ी बना रखा है, तो मतलब ग्रेवी वाला है, तो थोड़ा घर का भाषा भी यूज़ करती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा खाना वगैरह हो गया है,
तो अभी तो मैं डकार मार रही हूँ बैठकर, तो चलती हूँ और अभी तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठूँगी एक दो घंटे, और एक दो घंटे बाद मुझे बाज़ार जाना है, तो राखी खरीदने जाना है, राखी खरीदना है, थोड़ा ये सारी चीज़ें बनाना है मुझे, और बस इसके बाद मैं यही काम, घर का काम फिर से शुरू हो जाता है। तो एक बात और कहना है मुझे, फिर से दोहरा देती हूँ कि रक्षाबंधन में ना मेरे ननद नंदोसी आ रहे हैं, तो उनका एक बच्चा भी है, तो सारे आ रहे हैं, तो कुछ दिन रहेंगे अभी रक्षाबंधन में, तो बिज़ी रहूँगी उन्हीं में, तो इसलिए मैं, मेरा कोई वीडियो हो सकता कि नहीं जाए भी, फुर्सत नहीं मिलेगा तो नहीं भी जा सकता है वीडियो, तो कोई गारंटी नहीं है। अगर हो सकता है टाइम मिले मुझे तो वीडियो भी बनाऊंगी, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं बना पाऊंगी, तो प्लीज़ छोटे छोटे हो सकता है कि वीडियोस भेजूं भी, कोई अभी मैं कह नहीं सकती, गारंटी नहीं कह सकती हूँ, हो सकता है कि नहीं भी भेजूं, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि पीछे के सारे वीडियोस पर आप लोग प्यार दे सकते हैं मुझे, और देते रहिएगा, क्योंकि कुछ दिन मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो इसलिए तो अपना प्यार हमेशा हम पर प्लीज़ बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं बनाऊंगी वीडियोस, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के यूट्यूब जाने वाली हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं चाहे हारूँ या फिर जीतूँ, मैं यूट्यूब पर बनी ही रहूँगी जब तक कि पूरी तरह से मैं हार ना जाऊँ, कोशिश हार ना जाए मेरी, तब तक मैं बनी रहूँगी, हारने वाली नहीं हूँ। तो इसलिए नहीं आए वीडियो तो प्लीज़ गलत सलत मत कुछ कोई सोचिएगा, क्योंकि घर में जानते हैं हम लोगों का इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है हमें, तो वही मैं ब्रेक ले रही हूँ। आशा है कि आप लोग समझिएगा मुझे, आशा है कि आप लोग समझते हैं मुझे, समझिएगा आगे भी। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।